हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है या कुछ परेशानी आपको महसूस होती है या सुविधा है? मार्केटिंग की एक तरीके से देखा जाए तो सुविधा तो है, लेकिन मार्केटिंग की दिक्कत तो हर एक क्षेत्र में है जी। मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, अगर आपको व्यापार करना है, अच्छा आपको व्यापार करना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मार्केटिंग की थोड़ी दिक्कत नहीं होती, आपको मंडी ले जाना रहता है, वहाँ किसी आढ़ती से संपर्क करके आपको उसको देना पड़ता है, उसका 10% कमीशन लेके वो माल आपका बेच देते हैं। अच्छा, तो जो भी आपको पैसा मिलता है वो 10% कमीशन करके आपको मिल जाता है। तो ये जो है दुबग्गा, ये चौक मंडी में है, चौक मंडी है वहाँ पे लखनऊ की जो हम लोगों की गवर्नमेंट की मंडी गोमती नगर में बनी हुई है। अच्छा, तो अब वो वहाँ से शिफ्ट होने का वो प्रक्रिया चल रही है, जो जब यहाँ मंडी आ जाएगी तो हो सकता है कुछ दायरा और बढ़ जाए। तो वो अपना बाजार जो है, अपना बाजार में कुछ बाजार गवर्नमेंट ने निर्धारित कर लिया, लेकिन किन्हीं वजहों से अभी उसमें मंडी जो है पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। तो यह है कि मंडी की व्यवस्था है। हाँ, मंडी की व्यवस्था है, जिस दिन उसमें आके सारा काम चालू हो जाएगा उस दिन जो काफ़ी बड़े पैमाने पर काम पहुँच जाएगा। चलिए, तो देखिए मंडी में फूलों की व्यवस्था है और नौजवान लोग इस काम को करें तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि न केवल आप अपने लिए रोजगार कर उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं। तो खूबसूरती के साथ रोजगार, औरों को भी रोजगार, इससे अच्छा और उद्यम क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और आप हमारे नौजवानों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और लोग और भी आगे आएंगे और इस काम में अपना हाथ बटाएंगे और इसके साथ रोजगार सृजन करेंगे, खेती को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद संदीप वर्मा जी के इस पाली हाउस के बाद अब हम आपको ले चलते हैं बैरिया स्थित जो उनका पाली हाउस है, जहाँ उन्होंने नए पौधे लगाए हुए हैं। तो आप देखें कि नए पौधों से किस तरह बर्ड्स निकलती हैं और किस तरह जो है उसमें फूलों के खिलने की प्रक्रिया होती है। आइए चलते हैं उनके नए पाली हाउस में, और यह भी कि जो अभी उन्होंने पुराने वाले पाली हाउस से पौधे फूलों को निकाला था, फूल जो है पिक किए थे, तो उन फूलों की कैसे पैकिंग की जाती है, बाजार में जाने से फूल उसकी पैकिंग की जाती है, वो अभी हम भी आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि पैकिंग आज जो है ब्रांडिंग का ज़माना है, पैकिंग का ज़माना है, तो उन्होंने बाजार में जाने से पहले फूलों की पैकिंग भी करते हैं ताकि उसकी अच्छी बाजार में कीमत मिल सके। तो आइए चलते हैं बैरिया और हम उनके नए पाली हाउस को पौधों को और उसके बाद दरबेरा के नया प्लांटेशन जो किया हुआ है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि नए वहाँ पर तो फूल खिले हुए थे, यहाँ पर इन्होंने नया लगाया है। ये कितने दिन के प्लांट हैं बताएं? ये 2 महीने से ज़्यादा के, दो महीने। अच्छा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी, तो ये लगभग 2 महीने से ज़्यादा के प्लांट हो गए हैं, बर्ड आने लगी। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें बर्ड भी अब आने लगी हैं, यानी फूल जो है अब इसमें खिलेंगे। कितने दिन में फूल खिल जाएंगे? 20-25 दिन में मिल जाएगा, पहले डिबडिंग करनी पड़ती है, दो कली तोड़नी पड़ती है। अच्छा, अभी आपने तोड़ दिया है कि अभी तोड़ दिया है? अच्छा, इसको तोड़ दिए हैं, अब ये जो बर्ड आ रही है देखिए आगे उस पौधे में भी आ रही है, तो खिल के तैयार हो जाएगी, तो ये खिल कर तैयार हो जाएंगे। और ये आप देखिए कि करीब 2 महीने और करीब 3 महीने में फूलों के फूल जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये जो एक नया जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ये नया पाली हाउस जो यहाँ पर बैरिया में है, इसी तरह इन्होंने करीब 26,000 स्क्वायर मीटर एरिया में कई पाली हाउस में आपने रेंट पर लेकर के और जगह लेकर के आपने ये हमारा खुद की जमीन है। और ये जो है ये आपने वहाँ पे रेंट का था, वहाँ जो है
रेंट वाला था, यहाँ पर आपकी खुद की जमीन का है, ये शुरुआत में हमने यहीं से जी 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 शुरुआत यहीं से करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू। मंगवाते हैं पॉली हाउस से वो फूल कलेक्ट करके लाए जा रहे हैं, यहाँ पर लाए गए हैं और वहाँ तक पैकिंग की जा रही है। पैकिंग करने के बाद ये कल सुबह बाजार पहुँचा दिए जाएंगे, वर्मा जी इसको खुद लेकर के जाएंगे। वर्मा जी हम आपसे एक ही जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आप मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पॉली हाउस में भी लोग काम कर रहे थे, श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ पैकिंग का काम हो रहा है और कुछ महिलाएं भी काम कर रही थी अभी मैंने देखा जी। तो कितने लोगों को आप जो है यहाँ रोजगार दे रहे हैं, कितने का रोजगार है? करीब हम यहाँ पे करीब जो है सब लेडीज और जेंट्स सब मिला के करीब हमारे पास 25 से 30 लेबर हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा काम हुए तो कुछ लेबर बढ़ा लेते हैं, लेकिन 20 से 25 तो परमानेंट लेबर काम करते हैं। परमानेंट जो है 25 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, परमानेंट काम करते हैं। तो आपने देखा कि और उन्हें कितना जो है रोजगार आप दे रहे हैं, कितना मतलब श्रमिक धंधा दे रहे हैं? पुरुषों को 6 से 7 हज़ार रुपये लगा के महीने और जो है जो लेडीज हैं उनको 4.5-5 हज़ार रुपये महीने दिए जाते हैं। तो ये लगातार जो है उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, परमानेंट रोजगार दिया जा रहा है 25 से 30 लोगों को और 4.5 हज़ार से लेकर के और 7 हज़ार रुपये 6 से 7 हज़ार रुपये तक का रोजगार जो है मुहैया करा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये नौजवान अपना तो लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, पटाखों को रोजगार भी दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आप जैसे लोग निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए प्रेरणा के थे।